अमरोहा जनपद में नीले खेड़े गांव में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसी एनआईए पर इशारों में निशाना साधते हुए एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों के मामले में कहा कि उनकी सरकार आने के बाद उन सभी बेगुनाहों को जेल से बाहर निकालेंगे। इसके अलावा राशिद अलवी ने मायावती अखिलेश पर भी निशाना साधा और उन्हें इशारों में मतलब परस्त करार दिया। हमें पूरा यकीन है कि हम सरकार बनाएंगे और जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है वो तो मैं ही बना रहा हूं। मैंने अगली मीटिंग 13 तारीख को दिल्ली में रखी है। ऐसा मैनिफेस्टो किसी पार्टी ने नहीं बनाया होगा जैसा हम बना। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, हर बिरादरी का रिजर्वेशन अलग-अलग कर देंगे ताकि किसी के साथ ज्यादा ना हो। पाल गडरिया का रिजर्वेशन अलग, कुर्मी का अलग, यादव का अलग, लोधा का अलग, अंसारी का अलग, तमाम मंसूरी का अलग। एक तरफ जहन्नुम है, एक तरफ जन्नत, उसके बीच की जो दीवार है उस पे कुछ फरिश्ते बैठे रहते जो निगहबानी इधर की भी करते और निगहबानी उधर की भी करते। आजकल समाजवादी पार्टी और मायावती उसी दीवार पे बैठी है, चाहे इधर कूद जाए और चाहे इधर चुनाव के बाद, चाहे कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस के साथ चलेंगे, बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी के साथ चलेंगे। और ये काम वो करता है जिसने बेईमानी कर रखी हो। बेईमान लोग सरकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते और उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहां पे उसका जो चूरा था लोहे का, जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग से कुछ चूरा निकलता है, उसे थैले में भर के ले गए और कहने लगे इससे बम बन सकता, उसे उठा के गिरफ्तार कर। शायद पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला आदमी था जिसने दिल्ली में भी बोला और अमरोहा में भी बोला और अभी भी कह रहा हूं, हमारी सरकार आएगी, जितने बेगुनाह लोग हैं उनको हम जेल से बाहर करेंगे। राशिद अलवी, कांग्रेस पार्टी, इशारों में बात कर रहा हूँ भाई, ये ना होते तो सफाई से बोलते। अब आपको अगर कर्जे की जरूरत है तो भाई ना मैं रोक सकूंगा ना नरेंद्र मोदी रोक सकूंगा। मैं आपसे अपील करता